अच्छा कुछ मर लग गया। तो हाँ नहीं आएगा तो उठा भी नहीं तो भारी हो रहा है। मम्मी सरप्राइज पहले सरप्राइज मिस कॉल आंखें तो मिस खोलिए आगे खोल। अभी आप सुन रहे हैं ना, उधर मंदिर में मम्मी लोग करते हैं पूजा पाठ शाम के टाइम पे, तो उनके भजन चलते रहते हैं। साथ साथ में मम्मी का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें वो भजन वगैरह गाती है, कुछ गाती है कुमाऊनी के, कुमाऊं के फोक गीत, कुछ वहाँ के मंगल गीत वगैरह ETC वो गाती है। सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो आज का सीन शॉट ये है, तो मम्मी के लिए मैं खरीद के लाया हूँ एक कैसियो मार्केट से, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेजन में मैंने पहले देखा, उनमें कंपेरिजन किया, फिर मार्केट में जाके देखा, तो रेट में क्या हुआ कि मेरे मार्केट में सस्ता पड़ रहा था फ्लिपकार्ट और अमेजन के थ्रू के, मतलब कंपेरिजन में मेरे को मार्केट में करीब 1,000 रुपये सस्ता मिला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वैसे मार्केट से खरीदा जाए, तो मैं खरीद के लाया मार्केट, क्योंकि एक तो चीज़ भी ऐसी थी कि उसे एक बार ट्राई करके देखना भी था, क्योंकि तो वहाँ से जो इंस्ट्रूमेंट आता वो कैसा होता मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने खरीदा एक कैसियो मम्मी के लिए, तो मम्मी के लिए वह है बिल्कुल एकदम से सरप्राइज, क्योंकि मम्मी उसे देखेगी शायद काफ़ी खुश रहेगी। तो मम्मी को आज मैं देने वाला हूँ सरप्राइज, मम्मी लोग की पूजा पाठ खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मम्मी लोग को सरप्राइज दूंगा। आज का दिन तो ऐसा ही रहा, सुबह गया था वर्क प्लेस पर, अभी शाम को लौटा हूँ, लेकिन शाम को उनके लिए खींच के लाया हूँ वहाँ से एक कैसियो। तो उसके बाद कैसियो की आपको मैं बताता हूँ क्या स्पेसिफिकेशन है, उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, साथ साथ में उसका मैं आपको रेट भी बताऊँगा फ्लिपकार्ट और अमेजन में कितने रुपये का मिला था और मैंने कितने रुपये का उसको परचेज किया हुआ है, तो ब्लॉग पूरा देखिएगा। चलिए मम्मी को देते हैं सरप्राइज। तो आपकी रसोई में आज बननी है आलू मटर की सब्जी। व्रत है तुम्हारा आज है सोमवार का। सही है सही है। चलो भाई चलो मम्मी को सरप्राइज देंगे, जल्दी से पानी डाल लो, इधर लक्कर मार दो, चलो जल्दी से। अरे 2 मिनट भी चलिए ना, आ रहे हैं। नहीं दोनों एक साथ जाएंगे ना फिर, पापा से मैंने मम्मी की आगे बदवा रखी है वैसे पहले से। पापा को दिया है टास्क मम्मी की आंखें बांधने का, और अभी निहारिका और मैं जा रहे हैं मम्मी का गिफ्ट लेके। निहारिका की देखो आप बता रही है उठाने में, कह रही इतना भारी है हम उठा नहीं पा रहे। चलो 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 पहले आंखें तो खोलिए बिना आंखें खोले। मम्मी बोली मैं तो गंदारी का बना दिया, मैं क्या गंदारी बंद हो दो ना हम भी पर बन जाएंगे। ये सरप्राइज है मम्मी को तो। हाँ अच्छा गिफ्ट का है, गिफ्ट तो होगा फिर मम्मी को दे रहा हूँ तो गिफ्ट तो। अच्छा बड़ा महंगा गिफ्ट है क्या, मम्मी लेगी तो खुश हो जाएगी। अरे वाह हारमोनियम आ गई। हाँ हारमोनियम नहीं है, हारमोनियम में आपको ताकत आनी पड़ती ना हाथ से दाने वाली है। ठीक है भाई अभी से हम खोल के देखते हैं कितना क्या क्या है। ठीक है हाँ एक मिनट तो हम मैं भी सीखूंगा आप भी सीखोगे निहारिका भी सीखेगी पापा भी सीखेंगे। पापा कह रहे हैं पापा निहारिका सुनने की खाली आप जो ही सीखना जो कुछ करना है। ये है इस डब्बे में है, ये इलेक्ट्रिकल है तो इस डब्बे में है इसका एडाप्टर, ये है इसके कुछ मेंबर इसे बुलाने वाले हैं, डंडा भी लिया तो नहीं लिया हुआ है, स्टैंड तो स्टैंड नहीं है किताब रखने के आगे लोग रखते ना अपना एक कैरेक्टर भी तो दिया था क्या वो रखा है अभी कैरेक्टर तो मैं बोला आपको मैं आपको पता है क्या क्या दिया है ये देखिए ये निकाल लिया हमने अपना कैसियो बाहर कनेक्ट कर दिया है अभी तार से क्योंकि इलेक्ट्रिकल है। मम्मी को क्या था बेल वाला कर लेते ना हारमोनियम जो होता है तो उसमें क्या एक हाथ मूवमेंट रहता है बेल बजाने में
तो उसमें उनको स्ट्रेस होता था। ऐसे में अभी मेरे को भी बजाना नहीं आता, मम्मी को भी बजाना, दोनों को बजाना नहीं आता है, तो एक बार सारे गाँव पर बजा के देखते हैं। लेकिन मैं भी आपको इसका रेट बताने वाला हूँ, तो आप लोग भी खरीदोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अमेजन फ्लिपकार्ट और मार्केट प्राइस में कितना डिफरेंस है। सारे गाँव पर बजा दी मम्मी मैंने, ओम जय जयती सर बताऊ। तो मैं आपको उसका प्राइस बताता हूँ अभी, तो एक बार आप बजा के देखो, कुछ तो बजाओ, अभी आप ही को बजाना है दिन रात। डबल बज रहा है, इधर है मोटी आवाज, इसमें मोटी आवाज देखो। तो ये जो मुझे पढ़ा रहता है, ये मार्केट कॉस्ट इसकी थी 7,800 रुपए, और अमेजन में इसकी जो कॉस्ट थी वो थी 9,100 रुपए, और जो फ्लिपकार्ट में थी वो थी 9,300 रुपए। तो मैंने 2-3 जगह पहले पता किया, कभी कभी अमेजन और फ्लिपकार्ट भी आपको धोखा देता है, तो मार्केट में एक बार सर्च जरूर कीजिए, चाहे मोबाइल लीजिए हो चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट लीजिए हो। तो ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में कुछ नए सरप्राइज के साथ, फिर से मिलेंगे आदि ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।